वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, 2:30। घड़ी को उल्टा कर देंगे तो 2:30 हो जाएगा। मैं अब फिर से ऐसा नहीं करना कर पाऊँगा कार के अंदर। तो अभी का सीन क्या है, आज है मंडे और ईस्टर मंडे है, आज मेरी छुट्टी है। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह बहुत ही बेंगलोर में, अभी नई नई जगह है, ये ओपन हुई है। और ये यहाँ से मेरे घर से या बेंगलोर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पे है, 80 to 90। बहुत ही अच्छी जगह है। तो आज का प्लान वही बना है कि आज वहाँ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से जाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे 90 किलोमीटर्स, तो 2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे और 90 किलोमीटर। तो अभी फटाफट चलते हैं, पेट्रोल लेते हैं और फिर उसके बाद ये हिंट देता हूँ आपको, एयरपोर्ट की तरफ है और एयरपोर्ट रोड पर है, हैदराबाद रोड पर है, और ये कोयम्बटूर में भी है, अब बेंगलोर में भी आ चुका है। तो चलिए, सरप्राइज़ अभी बस अगले 2-3 मिनट में डिस्क्लोज हो जाएगा। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ हमें जाना है आज। और बाकी सब बढ़िया, आई होप आपको पिछला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बजट का। और उसके अलावा जो ब्लॉग मैंने बनाया था, मैं क्यों गायब था और बजट का, तो वो सब अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप लोग सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है उससे। और आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर तभी चैनल आगे बढ़ेगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप चैनल को ज़रूर, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और फ्रेंड्स साथ शेयर भी आप करो। तो चलिए इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और 90 किलोमीटर्स 2.5 घंटे में उससे मिलते हैं। बीच बीच में बात करता रहूँगा मैं, आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो लेट्स गो। कार की सर्विसिंग भी करानी है, कार का साउंड भी अलग तरीके का आ रहा है। शेल का पेट्रोल पंप फर्स्ट बहुत ही मेंटेन रहता है। महंगा हो गया, अब इलेक्ट्रिक कार लेनी पड़ेगी। तो टैंक फुल कराया, 3157। मौसम बहुत ही सनी नहीं बोलेंगे, गर्म है। कार के बाहर निकलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, जल के एकदम हो जाएंगे, स्किन आपकी टैन हो जाएगी। अगर आप ट्रीटमेंट कराए हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आप मत निकलना, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है धूप से, साइनस है, बीमारी है, तो भी मत आप निकलो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मुझे धूप से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ठंडी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती है। 3 बज रहा है, 3:05। कोशिश करेंगे 5 बजे के आसपास पहुँच जाएँ, 1-2 घंटे रुकेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से वापस लौट लेंगे। आगे JP Morgan है, Chase कंपनी है, और ऐसे बहुत से हैं ऊँची ऊँची बेंगलोर में कंपनियाँ देखेंगे। ऐसे गुड़गांव में भी हैं, DLF और ये सब एरिया में, जहाँ पे IT कंपनीज हैं। बट मैं गुड़गांव दिल्ली इसलिए नहीं शिफ्ट होना चाहता, जाना चाहता, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर में मुझे तो अमीर आदमी तो बनना ही है, तो क्या टेंशन करना है। अपना खुद हर महीने मैं फ्लाइट के टिकट करके घर जा सकता हूँ, तो दिल्ली जैसे वैसे बेंगलोर हो जाएगा मेरे लिए, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्यों। तो इसलिए मैं अभी बेंगलोर में कुछ दिन हूँ, अगर कुछ चमक जाता है, लाइफ सेट हो जाती है, तो अच्छा रहेगा। और बस ऐसे ही है, फिर वेल्स फार्गो है, इधर बिल्डिंग है। चलिए बाकी बातें ऐसे मैं बढ़वाता रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मेमोरी कार्ड भरने की कोशिश नहीं करूँगा। और क्या कर रहे हैं, ज़्यादा हीरो बन रहा था बोलेरो वाला। ये रूट आपने देखा होगा लास्ट ट्रिप में, ड्रीम ट्रिप में। एयरपोर्ट जब हम जाते हैं या नंदी हिल्स जाते हैं, तो ये उस रोड, वही रोड है ये। और उधर लेफ्ट में है एयरपोर्ट। आपको एयरप्लेन दिख रही होगी जाते हुए, ये लेफ्ट में रास्ता जाएगा नंदी हिल्स के लिए। और ये लेफ्ट में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, नंदी उपचार, बहुत फेमस है ये।
हम लोग अभी चिक्कावाला पूरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, लिखा हुआ था चिक्कावाला पूरा जिला, और हमें अभी यहाँ से 20 किलोमीटर्स और जाना है। हमें आप जो पहाड़ लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे वो सब नंदी हिल्स के पार्ट हो सकते हैं। और ऐसे आपने शॉट देखा ही, ये ड्रीम ट्रिप में बहुत शॉट देखा हाईवे के। तो सामने क्या नज़ारा है, एकदम स्ट्रेट रोड। 500 मीटर्स पे हमें टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, बस आ गया लेफ्ट टर्न। इस पे ही टर्न लेना है। रोड पे हमें 5.4 किलोमीटर जाना है, 15 मिनट की दूरी पे है। सामने से धूप पड़ रही है, गोप्रो भी हीट हो रहा है, बैटरी भी इसकी 36% ही। कटे फटे पहाड़ दिख रहे हैं, इधर क्वारी है, माइन दिख रहा है, इधर माइनिंग हुई है लग रहा है। बाप रे, कर्व्स कर्व्स कर्व्स, कितने कर्व्स हैं। Take the next left to stay on Isha Foundation Road, then turn right. बट गेट काफ़ी बड़ा बना हुआ है, यहाँ से तो कच्चे रास्ते दिख रहे हैं, और 3 किलोमीटर्स जाना है अभी। और ये है लाइव, आप देख सकते हैं रोड अभी बनी नहीं है, और 3.3 किलोमीटर्स, लगभग 3 किलोमीटर आपको ऐसे रास्ते पर ड्राइव करना पड़ेगा, और सामने ये ऊंचा सा पहाड़। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे नहीं है, रास्ता बराबर है बट पत्थर है, कंकड़ है, कच्चा रास्ता है। वो है स्टैचू आदि योगी की। इधर आदि होगी, ये पूरी पार्किंग है। आदत नहीं है धूप की। शूज निकालते हुए और शूज भगवान भरोसे आ जाइए इंफॉर्मेशन सेंटर। फाइनली आई एम हियर एट आदि योगी चिक्कावल्लापुरा, और अभी सूरज डूब रहा है इसलिए अभी थोड़ा सा पीछे पहाड़ के सूरज है तो इसलिए उतनी क्लियर नहीं आ रही है, बट अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ी हो सकता है क्लियर आएगी। सो वो गेट है, उधर से एंटर किया। इट्स 6 PM, अभी 6 बज चुका है। हर शाम को यहाँ पे लेज़र शो होता है, तो देखते हैं होता है या नहीं आज। Yeah.
Came from. The origins of this spectacular being were unknown. They call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. Wow. So guys, as a camera, sorry, GoPro mein kaisa aayega, but right. He transmitted the profound science of yoga. In its full state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascade. Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." ओके तो यही था। चलो शूज देखते हैं, शूज कहाँ हैं, शूज कहाँ हैं। चलो शूज तो हैं, पहनो तो दो। तो आप, ये शो ख़त्म हो गया, आप देखो सारा क्राउड आ रहा है इधर। यहाँ कैश ओनली लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कुछ ले लें, यहाँ पे पेटीएम करते हैं और ले लेंगे। सब कैश है क्या? ओनली कैश, सब कैश है। था यही था लेजर शो, इसके लिए रुके रहे। 7:15 में स्टार्ट हुआ और अभी 7:45 हो गया है टाइम, और यहाँ एकदम आउटर में है, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। तो फटाफट ये फिगर हो रही थी, कार की फिगर हो रही थी, शूज़ की फिगर हो रही थी कि जूते सही में गायब ना हो जाए, और ये थी। और उसके बाद लेजर शो ख़त्म हो गया, काफ़ी अच्छा था। और ये इवनिंग भी पहाड़ में भी चारों तरफ पहाड़ है, अच्छा था। तो यही था, यही था मैं आज पे जो मैं हिंट दिया आपको कि कोयम्बटूर में भी है, यहाँ पर भी है। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा था। आखिरी में लेजर शो, एक टाइम को लगा कि चलते हैं, देर हो रही है 7:15 तक, बट लेजर शो स्टार्ट होता है, देख लिया 10-15 मिनट। अभी भी स्टिल लाइट्स जल रही हैं, बट कोई नहीं। तो सामने देखो आप, पहाड़ पर दिख रहा है ये कच्चा रास्ता, और गाड़ियां जा रही हैं, और इतना लोकेशन है सेलेक्ट करके बनाया गया है चारों तरफ इसको, पहाड़ के बीच में आदि योगी की स्टैचू। तो स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग और मिलते हैं आपसे आगे कहीं।
वेलकम बैक गाइस। सो हम बेंगलोर सिटी में एंटर कर चुके हैं, एयरपोर्ट के आगे हैं, आगे है टोल प्लाजा। तो ये जगमगाती हुई रोड काफ़ी अच्छी दिखती है यहाँ पे, इस जगह पे। ये सत्व और ये सब अपार्टमेंट पड़ता है, बिल्डिंग्स हैं जो भी। जब हम लोग एयरपोर्ट से आते हैं तो यहाँ पे एक अलग ही दिखता है, पूरा जगमगा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से 28 किलोमीटर और जाना है और अब ट्रैफिक कम है। अब जैसे जैसे आईटी पार्क की तरफ बढ़ेंगे, के आर पुरम टिन फैक्ट्री, तो ट्रैफिक रहेगा, लेकिन अभी ट्रैफिक नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि पहुँच जाएंगे घर के पास, एक अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पर डिनर कर लेंगे। तो यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, फ्रेंड्स का शेयर करो, कमेंट आप ज़रूर करो, लाइक करो आप, और कमेंट भी करो अगर आपको अच्छा लगा तो। और अगर कोई फीडबैक देना है तो बिल्कुल आप ज़रूर लिख सकते हो कमेंट में। आप इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो आप। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।